रविवार को सुबह कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना और ढीला जोन को बंद करने के लिए प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को आखिरकार पुलिस ने बल प्रयोग करके करीब एक दर्जन से अधिक आंदोलनकारियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से बाघ गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिसमें बाघ द्वारा कई महिलाओं पुरुषों को जहां एक और अपना निवाला बना लिया गया तो कई लोगों को घायल कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग लंबे समय से आ रही है। पूर्व में भी ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर ढेला और झरना जोन को बंद किया था। उस बीच भी अधिकारियों के साथ काफी नोकझोंक हुई और शनिवार को एक बार पार्क के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की ग्रामीणों के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। जिस बाद रविवार को इस क्षेत्र के ग्रामीण सुबह 5 बजे ही सावलते क्षेत्र में सड़क पर बैठ गए और ग्रामीणों का कहना था कि उनका किसी से कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व में ऐलान किया था कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो 31 के दिन कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला और जिन्ना पर्यटन जोनों को बंद कर दिया जाएगा। आज उन्होंने पर्यटकों की आवाजाही रोकी। पार्क के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की नोकझोंक हुई। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके करीब एक दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपने साथ ले गई है। इस बीच भी पुलिस के साथ जो है प्रदर्शनकारियों की काफी नोकझोंक हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जो सरकार दमन करा रही है, आंदोलनों का दमन करा रही है, वो सहन नहीं किया जाएगा और आंदोलन अब और उग्र होगा। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी जोनों को बंद कर दिया जाएगा। मौके पर स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना अप्रिय घटना हो या पर्यटकों का प्रवेश को लेकर हो, वो किसी भी प्रकार का सहन नहीं किया जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों को गिरफ्तार करने के बाद जो ढेला और झरना जोन में पर्यटक सफारी पर जाने वाले तो उनको जिप्सी वाहनों से रवाना किया गया। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल मिचल। तानाशाही है पुलिस की, सरकार की, धामी सरकार की, मोदी सरकार की। शांतिपूर्वक आंदोलन का, जन आंदोलन का दमन किया जा रहा है। ये जो कॉर्बेट पार्क बंद है ये जारी रहेगा, अभी भी जारी है। हमारी गिरफ्तारी के बावजूद भी जिप्सी पर रोक लगाई गई है। अच्छा, टूरिस्टों को नहीं जाने दिया जाएगा। अभी भी हमारे लोग बाहर हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दर्जन लोग इन्होंने गिरफ्तार किए, लेकिन अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी हमारा धरना जारी है। एक्चुअली इसमें कल दिनांक 3 दिसंबर 2023 को डॉक्टर कॉर्बेट साहब द्वारा ये संस्तुति की गई थी कि उसके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा सकता है ढला गेट से पूर्व। और चूंकि यहाँ पर टाइगर के द्वारा लगातार मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, ये कैमरा ट्रेस में देखे गए हैं, कोई इस प्रकार की घटना ना हो उनको सुरक्षित रखे जाने के दृष्टिगत 144 लगाने की प्रस्तुति की गई थी। इस क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुति के आधार पर उसमें 144 लगा दी गई थी, जिसमें कोई भी 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। परंतु देखा गया कि आज प्रातः करीबन 6 बजे के आसपास कुछ लोग एकत्रित हो गए और 144 का स्पष्ट उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, जिसमें उनको अभी मौके से उठा लिया गया है। और उसमें यदि कोई वायलेशन किया जाता है, उसके भविष्य में भी कोई दृष्टिगत इसमें किया जाएगा तो उसमें 188 लगाएंगे। इन पर कार्रवाई होगी आगे ग्रामीण। देखिए 144 का अगर यदि उल्लंघन होता है तो उसमें धारा 188 लगाई जाती है ITC की, या फिर निजी मुचलकों पर भी छोड़ा जा सकता है, वो जिला मजिस्ट्रेट का विवेक। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।